मेरी आशी की तुमसे ही एक्ट्रेस स्मृति खन्ना और एक्टर गौतम गुप्ता ने 23 नवंबर 2017 में शादी की थी और अभी ये कपल नए पेरेंट्स बने हैं और ये पेरेंट्स शूट से वो बहुत ही खुश हैं। स्मृति खन्ना और गौतम गुप्ता ने 15 अप्रैल 2020 को एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और उसका नाम अनायका रखा है। एक्ट्रेस स्मृति खन्ना और गौतम गुप्ता अपनी बेटी अनायका के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उनकी बेटी के साथ ही अक्सर फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। अनायका अपनी इतनी छोटी सी उम्र में स्टार किड बन गई है और अनायका का खुद का इंस्टाग्राम पेज है जिसको उनकी मम्मी स्मृति खन्ना हैंडल कर रही है। अनायका गुप्ता के इंस्टाग्राम पे 20,000 से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं और उसमें स्मृति खन्ना अपनी बेटी अनायका की कूल और फैशनेट लुक वाली फोटो अक्सर शेयर करती रहती हैं। आज एक्ट्रेस स्मृति खन्ना ने अपने सोशल मीडिया पे बेटी अनायका के साथ की एक फोटो शेयर की है जिसमें वो अपनी बेटी की तरह बनने की कोशिश कर रही है और अनायका के इंस्टा पेज पे लिखती है, Nobody get a mom like me। स्मृति खन्ना ने इस पोस्ट पर कैप्शन लिखा है कि हमारे सिखाने से ज्यादा हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। हाल ही में स्मृति खन्ना ने अपनी फैमिली फोटो शेयर कर लिखा, This is us। 6 जुलाई 2020 को एक्ट्रेस स्मृति खन्ना ने अपनी बेटी की ये तस्वीर शेयर करते हुए अपने बर्थडे पे लिखा था, ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट बर्थडे है, मैं ये ब्यूटीफुल लाइफ के लिए हमेशा आभारी रहूंगी। स्मृति खन्ना ने अपनी बेटी के साथ की ये फोटो हॉस्पिटल से शेयर करते हुए लिखा, Our princess has arrived। स्मृति खन्ना ने अपनी बेटी अनायका की पहली तस्वीर 1 मई 2020 को फैंस के साथ शेयर करते हुए कैप्शन लिखा था, There will never be a day like the day you were born। Thank you for choosing me to be your mom। I promise you to love you and protect you till my last breath। और अपनी पहली फैमिली पिक्चर स्मृति खन्ना ने 5 मई 2020 को शेयर कर लिखा था, हमारी पहली फैमिली पिक्चर जहां स्मृति और गौतम हॉस्पिटल में अपने बेटी के साथ दिख रहे थे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।